दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मात्र 4 रन बनाने के बाद विराट कोहली का फूटा गुस्सा। ड्रेसिंग रूम में पहुंचते से ही कर दी तोड़फोड़। वीडियो आया सामने, देखने के बाद पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों आखिरकार विराट कोहली के गुस्से का पूरा वीडियो और आपको बताएंगे कि आखिरकार हुआ क्या था ऐसा मैदान पर, सब वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर शुरू हो चुका है, जहां इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा भले टॉस नहीं जीत पाए, लेकिन दोस्तों यहां न्यूजीलैंड की टीम को हमारे गेंदबाजों ने 235 रन पर ही रोक दिया। इस दौरान न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा 82 रन डेरिल मिचेल के बल्ले से निकले, तो वहीं विल यंग ने 71 रन की पारी खेली। बाकी कोई भी बल्लेबाज 30 रन से ऊपर स्कोर को ले जा नहीं पाया। और दोस्तों यहां भारत के लिए सबसे ज्यादा 5 विकेट रविंद्र जडेजा के नाम रहे, तो 4 विकेट वॉशिंगटन सुंदर को भी मिले और 1 विकेट आकाशदीप के नाम रहा। और दोस्तों यहां टीम इंडिया ने जब 235 रन पर न्यूजीलैंड की टीम को ढेर कर दिया था, तो आज पहले ही दिन भारतीय बल्लेबाज भी मैदान पर उतर आए, जहां यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करी। अब इन दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो लग रही थी कि एक अच्छी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन दोस्तों यहां रोहित शर्मा मात्र 18 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाकर चलते बने। अब ये 2 विकेट गिर जाने के बाद शुभमन गिल ने अपने आप को तो संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन मोहम्मद सिराज उनका साथ ज्यादा देर तक निभा नहीं पाए और पहली गेंद पर आउट हो गए। अब दोस्तों मोहम्मद सिराज आउट हुए तो नाइट वॉचमैन जो भारत ने विराट कोहली को बचाने के लिए भेजा था, तो अब दूसरा नाइट वॉचमैन नहीं आ सकता था, तो विराट कोहली को ही उतरना पड़ा और विराट कोहली ने आकर अपना विकेट मात्र 4 रन पर गवा दिया। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि ये ओवर रचिन रविंद्र करवा रहे थे और इस 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने फुलर लेंथ की गेंद को ऑफ स्टंप की तरफ शॉट लगाने की कोशिश की। अब दोस्तों विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पर अपनी ही कॉल पर जल्दी से भागने लग गए। अब दोस्तों वहां खड़े तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने रॉकेट थ्रो देकर तेजी से विराट कोहली को आउट कर दिया और दोस्तों विराट कोहली रन आउट हो गए। और इतिहास में 4 बारी ऐसा हुआ है कि विराट कोहली रन आउट के माध्यम से आउट हुए हों। तो ऐसे में दोस्तों विराट कोहली से रन आउट के बाद काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए, जहां उन्होंने डगआउट का जब रास्ता नापा तो दोस्तों इस दौरान विराट कोहली ने अपना बल्ला भी पटका, तो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी की। बाकी आप सभी यहां पर वीडियोस में भी देख सकते हो तस्वीरें जो निकल कर आ रही हैं विराट कोहली के गुस्से की। बाकी दोस्तों यहां हर किसी को उम्मीद थी कि विराट कोहली वानखेड़े के मैदान पर चमत्कार कर दिखाएंगे और शतक भारत के लिए जरूर जड़ेंगे, लेकिन दोस्तों विराट कोहली का खराब फॉर्म अभी भी जारी है। विराट कोहली कभी रन आउट हो रहे हैं तो कभी फुल टॉस गेंद पर आसान सा शॉट खेलकर अपने आप को आउट कर ले रहे हैं, लेकिन विराट कोहली रन अभी तक नहीं बना पा रहे हैं और पूरे देश को बस उनके बल्ले से रन का इंतजार है। बाकी दोस्तों यहां विराट कोहली का ये गुस्सा देखने के बाद रोहित शर्मा, गौतम गंभीर और यहां तक कि वहां साइड में खड़े अक्षर पटेल भी काफी ज्यादा डर गए। और अब आप सभी की क्या राय है विराट कोहली के इस गुस्से के बारे में और आप विराट कोहली के लिए क्या कहना चाहोगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी दबाइएगा। मिलेंगे अगली कुछ ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।